नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीजी व्यंजक के बारे में, अब जो चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आज विशेष गुणनफल एवं गुणनखंड। विशेष गुणनफल, कुछ विशेष प्रकार के गुणनफल होते हैं। क्या होता है, कुछ विशेष गुणनफल से ये पता लगता है हमें कि हमें कुछ दो पदों की या तीन पदों की गुणा करनी है, जैसे कि ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, कोई दो पद है जिनके में गुणा करनी है। गुणनफल से इतना पता लगता है, और गुणनखंड से पता लगता है कोई हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, इसके हमने खंड करने हैं, ठीक है ना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी में। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है, हमें इसका लाना है एक्स स्क्वायर प्लस सी इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो विशेष गुणनफल में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के गुणनफल होते हैं जिनका हमें रिपीटिशन बार बार यूज करना होता है, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उन्हें याद कर ले, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, विशेष गुणनफल बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसमें होता क्या है, बेसिकली जो विशेष गुणनफल होता है, अब जैसे मान लो कोई उसमें हम क्या याद कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें हमें सारे पद याद करने या सारे पद नहीं लिखने पड़ते, उसको हम शॉर्टकट पर लिख लेते हैं। जैसे हम एक बनाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें इसे करने के लिए क्या करना है, हमें इस एक पद से इस पूरी इक्वेशन को गुणा करना है, फिर इस पद से इस पूरी इक्वेशन को गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस, अब बी से गुणा करेंगे, बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। पहले हमने ए से गुणा करा ए प्लस बी प्लस बी से गुणा करा ए प्लस बी, अभी क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये दोनों सजातीय पद हैं, तो हम सजातीय पदों को इसमें क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो कितना हो गया ये टू ए बी। देखो ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, इनकी पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि इसकी घातांक और इसकी घातांक सेम होनी चाहिए। अगर ए का घातांक और बी का घातांक सेम है, तो वो हमारे लिए जो वो पद है वो हमारे लिए सेम है। तो क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी ध्यान रखिएगा ये होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब कई बार बच्चे लिखते समय क्या करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं, मैंने बताया पर आपने ध्यान से सुना नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें गुणा नहीं करनी पड़ती बार बार, ये हमने याद कर लिया। इसमें हमारे क्या है, चार पद बनने थे, ये हमारे तीन पद का हमारा इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ज्यामिति जिसे कहते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, पहले एक हम क्या करते हैं स्क्वायर बनाते हैं, यह ए बी सी डी, इसकी हर भुजा कितनी है ए, कितना आ गया ए स्क्वायर हो गया, ठीक है।
इसकी सारी भुजाएं कितनी है, ए है। अब हमने क्या करा, ए प्लस बी, यानी कि हम इसको बी बढ़ा देते हैं दोनों साइड। मैंने इसका बी इतना बढ़ा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बी, ऐसे इधर की ओर भी मैंने इसको बी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अभी मैंने ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अभी क्या हो गया ए प्लस बी, फिर क्या हो गया ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, ये कितना है ए स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है ए स्क्वायर, ये कितना है, ये भी बी है इधर से और ये भी बी है, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर। ये एरिया कितना है ए बी, और ये एरिया कितना है ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, समझ में आया, बहुत सिंपल तरीका है। हमने कि एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ए ए भुजा के हिसाब से हमने एक ए स्क्वायर बनाया, फिर हमने उसकी दोनों भुजाओं का एक्सटेंशन कर दिया बी और बी। ठीक है ना, अब हमने उनको मिला दिया, फिर हमने उसका फिर से एक स्क्वायर बना दिया जो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि इस पूरे का एरिया जितना है वो एरिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये हो गया टू ए बी। मैंने आपको ऐसे लिख दिया, आपको इसके सबके ट्राइंगल जो हैं आपके जो आपके सब रेक्टेंगुलर हैं इन सबकी नाम लिख करके करना है। ठीक है ना, रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस रेक्टेंगल डी ई एफ जी करके। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया सभी के। अब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने फिर क्या करा, गुणा कर दिया इसको। तो ए ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस माइनस बी से गुणा हो रहा है अब। ठीक है, माइनस बी से गुणा हो रहा है, माइनस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया हमने। ठीक, अब क्या हो गया ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अब ये क्या है माइनस बी। ठीक है ना, और माइनस बी को ए सी गुणा किया जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस कीजिएगा माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी दोनों सजातीय पद हैं ए बी और ए बी, और दोनों किस में है माइनस में, तो कितना हो गया हमारा माइनस
टू ए बी। तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक्सक्यूज मी, अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका ये याद हो जाएगा आपको, याद कर लेंगे, इतना सिंपल गुणा है, ठीक है ना। जैसे हम बीजी व्यंजक में हमने सारे सवाल करे हैं उसमें हम जैसे गुणा करते हैं वैसे ही सिंपल गुणा करना है, बट इन फॉर्मूलों का जो यूज़ है वह हम बार बार करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का। तो इसलिए आप बार बार गुणा करने से बचने के लिए आप उसके फॉर्मूले बना दिए आपने, आप उसको याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। और कई जगह पर आपको इसका यूज होगा, हम फर्दर आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये पूरी कितनी है, ए है, और ये पूरी कितनी है, ए। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी दोनों भुजाएं बराबर है ए, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, ये हमने लिया बी इतना पोर्शन, ठीक है, और यहाँ पे लिया हमने यहाँ तक का, ये हो गया बी, ठीक है। हमने इसको नीचे तक मिलाया, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, ठीक है, और ये हो गया आपका ए माइनस बी। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से अगर हम इसको इसको और इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, पहले ए बी, चलो यहाँ से नहीं रहते, बी सी डी ई जी एच और ये आई, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल ए सी ई आई माइनस, ठीक है ना, माइनस रेक्टेंगल बी सी डी जी माइनस रेक्टेंगल बी सी डी जी, इसको कर दिया माइनस, ये जिनको माइनस करने में ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, माइनस एच आई एफ जी, एच आई एफ जी प्लस ये क्या है, रेक्टेंगल डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये डी एफ जी और ये क्या है, ए और बी, ये क्या हो गया, ए इंटू बी, ठीक है। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, इसकी वैल्यू पता है हमें, ये बी है, ये क्या है, ए है। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी। इन दोनों को अगर हम साथ जोड़ दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, ठीक है।
पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। ये है बी और ये है ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये ए माइनस बी और ये बी है, तो हम क्या करते हैं इसमें ए ट्रायंगल ऐसी जोड़ते हैं और ए घटा देते हैं। अगर हम 5 रुपये में 5 जोड़ें या 5 घटा दें तो कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अगर हम मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे किसी ने 5 रुपये दिए और मैंने किसी को 5 रुपये वापस कर दिए, तो मेरे पास तो 10 ही रुपये बचे ना। तो इसी तरह हम इसमें क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल को जोड़ते हैं, इस ट्रायंगल को, ठीक है, इसी को घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या है इसकी वैल्यू कितनी हुई है, ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत होती है इसलिए वैल्यूज में पुट कर दे रहा हूँ। ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ब्रैकेट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। रेक्टेंगल बी सी, बी सी डी जी, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ए बी, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस इसको जोड़ता भी हूँ घटा भी देता हूँ। ट्रायंगल डी जी एफ ई माइनस रेक्टेंगल डी जी एफ ई, ठीक है। अब इसको और इसको मिला के क्या बन गया, ए बी, और ये क्या हो गया, ये जो माइनस करा हमने ये क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, बी, और ये क्या है, बी, तो ये क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, इन दोनों मिला के कितना हो गया, ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसे खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आ गया। जो हमारा पहली इक्वेशन थी वही हमने दोबारा से प्राप्त कर लिया, ठीक है, समझ में आया। आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, थोड़ा सा ट्रिक ही है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने इसकी वैल्यू आपको पता है ए स्क्वायर, देखिए आपको ए माइनस बी पता है, ए माइनस बी पता है, गुणा ही करेंगे तो गुणा तो आपने पहले भी किया था। आपको इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिक हिसाब से देखना कि आपने कैसे इसकी वैल्यूज पुट करें कि ये आपको इसको गुणा करना पड़े। तो आपने देखा कि ज्योमेट्री में इसकी वैल्यू कितनी थी, ए स्क्वायर, आपको इसको वैल्यू माइनस करनी थी, इसकी करनी थी, इसकी करनी थी, आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो गया, ए बी, ठीक है ना। आपको इसकी और इसकी नहीं पता, आपको इसकी, यह ए माइनस बी और ये बी, फिर आप गुणा नहीं कर सकते ना। तो आपको वैल्यूज किसकी पता है, इसकी और इसकी पता है मिला करके। तो आपने कहा ये है ये बी है, तो ये कितना हो गया, ए बी। इसी तरीके से आपने इसकी निकालने के लगा कि इसमें जोड़ देता हूँ, एक बी स्क्वायर को एक घटा देता हूँ, तो बी क्या हो गई, ए बी। तो इस तरीके से आपको, आपने इसकी वैल्यूज ली और इसमें से इन तीनों को माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं अगला वाला, जो कि है ये हमने कर लिया। अब हम करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मैं याद करना, तो फिर वही करना हमने, गुणा करेंगे वैसे ही, ठीक है। a ब्रैकेट a माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे कैंसिल आउट हुए। सजातीय पद प्लस माइनस का चिन्ह कट गए, कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमें करना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अब हम लेते हैं एक, ये हमने बुझा ली, ये है
ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है हमें, अब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो करना बी ही माइनस है और प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में जोड़ेंगे और एक साइड घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इसको बी घटा देते हैं, ठीक है ना। इस साइड में हमने इसको बी कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने बी मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ए माइनस बी, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, ये हो गया ए माइनस बी यहाँ तक, ठीक है। अभी कह रहा ए प्लस बी भी कर दो, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ, ये कितना है बी, ठीक है ना। अभी कह रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना, ये ए है ये बी है, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें किसका पता लगाना है, इसका ठीक है, और हमें पास पता क्या है, हमें ये पता है, ठीक। अब इसका नाम रख देते पहले सबके, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई, ठीक है। हमें क्या पता करना है, इसका एरिया पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी का एरिया लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, ये पता है, ये कितना है हमारे पास ए स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर है। चलिए हम करते हैं, लिखते हैं तो हमें पता लगेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी जी एच इज इक्वल टू प्लस रेक्टेंगल बी सी डी जी, इसका रेक्टेंगल एरिया प्लस इसका एरिया, ये तो निकाला हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, इस पूरे का एरिया, रेक्टेंगल एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ आई माइनस ए बी एफ आई माइनस रेक्टेंगल जी एफ आई एच, ठीक है ना। ये हमने किसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, ठीक है ना। अब इसके लिखते हैं, बी सी डी जी प्लस एरिया ऑफ, ये क्या है, बी सी ई एफ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एफ जी, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस, ये क्या है जी एफ आई एच, ये कितना हो गया बी, ये कितना हो गया ए, तो कितना हो गया ए बी, ये कितना हो गया प्लस एरिया ऑफ बी सी ई एफ, बी सी ई एफ ये कितना है बी और ये कितना है ए, ठीक है। ये ए है ना हमारा पूरा, ये ए था, ए में से बी रहा है, ये कितना है ए, ये कितना बी, तो कितना हो गया प्लस ए बी माइनस डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ये कितना हो गया, ये कितना है बी और ये कितना है बी, तो कितना हो गया बी स्क्वायर। सजाती पद प्लस माइनस कट जाएंगे, तो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये निकाल लेते हैं ऊपर से, ए प्लस बी और ए माइनस बी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। ये हमने निकाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमारा कितना आया निकालने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना।
ये कि किस तरीके से हमने इसको फिजिकली मतलब एक तरीके से करके देखा कि हाँ जो हम कह रहे हैं सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी, वो ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें उसको ज्यामिति ज्योमेट्रिकली फॉर्म में, तो हम उसे कर पाते हैं। ठीक है ना, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको ए प्लस बी है, ठीक है ना, तो जैसे आपका फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो अब बी अगर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस बी रख देंगे तो भी आपके सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, इसका किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है इसके बारे में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, अपना घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है ना, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।